हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉल मी पांडे जी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार और बढ़िया वीडियो लाया हूँ। क्यों? जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वर्सेट का, उनको प्रॉब्लम हो रहा है वर्सेट प्रैक्टिस करने में, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि और या फिर क्लियर नहीं कर पा रहे, तो शायद आपको ये वीडियो बहुत ही काम आने वाला है। क्योंकि देखो, वर्सेट से रिलेटेड मैंने इस चैनल पे कम से कम 4 से 5 वीडियोज डाले हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा तो जाओ और देखो, मैंने डाला हुआ है। अगर आप वो फॉलो करते हो तो बिल्कुल आप क्लियर कर दोगे। बट ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा हट के इसलिए है क्योंकि इसमें मैं सिर्फ नॉन वॉइस वाले क्वेश्चंस डालने वाला हूँ। लाइक आप देखो, वॉइस वाले जो है रिपीट करने वाले, वो आप वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ से आप लाइक उनको सुन के आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, एसेंट को समझ सकते हो। बट उसका क्या होगा जो नॉन वॉइस का है, लाइक जिसमें ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स के आते हैं क्वेश्चन, उसको आप देखोगे तो देखने से उतना समझता नहीं है जितना अगर आप उस क्वेश्चन को सच में उसका आंसर दोगे, सच में उसको उस क्वेश्चन को करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने क्विज बनाया है जहाँ पे आप वही सेम क्वेश्चन करीब 8 से 10 वीडियो देखने के बाद सारा मैंने क्वेश्चन निकाला है। करीब आपको 100 से 200 मिलने वाला है क्वेश्चन टोटल। फिलहाल तो 50 से 100 मिलेगा, शायद ये वीडियो आते आते 100 हो जाए। तो मैं उसमें अपडेट करने वाला हूँ, लाइक अलग अलग क्विज बना के अपडेट करूँगा। बट फिलहाल एक क्विज है, आप लोग जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको करो और करने के बाद अपने आप को समझो कि आपको कितना आता है, आप कितने पानी में हो, ठीक है। क्योंकि आप एक पढ़ते हो और क्विज देते हो तो आपको समझ में आता है कि आप कितना पानी में। देखो देखो, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट वो काम आएगा आपको, वो प्रैक्टिस काम आएगा फाइनल वर्सेट में, ठीक है। और सारा जो क्विज है ना वो मेरे वेबसाइट पे है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारा लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको मेरे वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे क्विज करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बताता हूँ आपको, आगे स्टेप लेके चलता हूँ उसके लिए, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने वेबसाइट पे। सो हे गाइस, अब मैं आ गया अपने वेबसाइट पे और ये देखो, ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्विज का ऑप्शन है और उस पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे आओगे क्विज के सेक्शन पे तो यहाँ पे देखोगे वर्सेंट मॉक टेस्ट का आपको एक लिंक मिलेगा और यहाँ पे नीचे एक STET एक एग्जाम था उसका। इसमें कुछ नेटवर्क के भी क्वेश्चंस है, अगर आप चाहते हो तो इस पे भी जाके इसका मॉक टेस्ट दे सकते हो अगर नेटवर्क से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो, ठीक है। बट वर्सेंट के बारे में बात करते हैं। देखो करना क्या है ना आपको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है आपको इसके लिए। बस आप स्टार्ट पे क्लिक करो और उसके बाद देखो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टोटल 100 मिलेंगे, 100। तो अगर आप ये 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि इस सेक्शन में कोई इश्यू होगा आपको, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे ग्रामेटिकल क्वेश्चन हो, आपको कोई भी दिक्कत होने वाला है। देखो आपको सिंपल जो सही आंसर है उसको सेलेक्ट करना है, वेयर आर गोइंग दे, वेयर आर दे गोइंग। सो आपको सही क्वेश्चन करके बस नेक्स्ट करना है। अगर आप गलत चूज करते हो तो ये देखो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ सही। अगर आप गलत चूज करते हो तो देखो ऐसा एक पॉप अप आएगा और जब आपका पूरा हो जाएगा सिलेक्शन, पूरा एग्जाम हो जाएगा तो आपको यही पे रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जल्दी से जाओ और जितना हो सके एक बार दो बार, कोई बैरियर नहीं है कि आप एक ही बार दे सकते हो, आप दोबारा भी दे सकते हो, 3 बार भी दे सकते हो, 4 बार भी दे सकते हो, जितनी बार चाहे आप उतनी बार दे सकते हो। या देखो फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ओके। सो आप इससे प्रैक्टिस करो और बताओ मुझे कि आपको ये मॉक टेस्ट का आइडिया कैसा लगा, क्विज का आइडिया कैसा लगा। अगर आप चाहते हो तो और भी क्वेश्चंस मैं कलेक्ट करके और उसका जो मैं जो है वो मैं क्विज रेडी कर दूंगा आप लोगों के लिए सिर्फ, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा और ये काम भी आएगा, तो रेडी हो जाओ क्योंकि भाई HCL में वैकेंसी आ गई है, जॉब शुरू हो गए हैं, लाइक वैकेंसीज आ गई है और वो लोग अभी हायर करने स्टार्ट कर दिए। तो रेडी रहो, प्रिपेयर होके रहो, ठीक है। मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।